किशोर कुमार और लता दी, आंधी मूवी का गाना। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, जिंदगी बन गई है। इट्स लाइक तुम जो है जिंदगी में बात बन गई, वैसा वाला सीन। पर ये कहीं ना कहीं एक तरफ भी है ना कि यार कोई जिंदगी में होना चाहिए। अगर कोई है तो हमारी जिंदगी मुकम्मल है, अगर कोई है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर कोई है तो ही हमारा वजूद है। ये जो तलब है ना, होनी चाहिए, ठीक है, पर जब उसका अतिरेक हो जाता है ना, बहुत दर्द होता है यार। और फिर जब वो पूरा नहीं होता और सिर्फ अकेले ही रहना पड़ता है तो ज्यादा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो एक आस होती है कि यार आई नो हो जाएगा, आई नो वो इंसान मान जाएगा, आई नो कुछ ना कुछ तो ऐसा जादू होगा, क्योंकि मैंने बुक्स में पढ़ा है, मैंने मैंने मूवीज में देखा है, मैंने मन में सोचा है, तो हो जाएगा, क्योंकि मैं दृढ़ निश्चय से मानता हूँ या मानती हूँ। पर जब वो नहीं होता तब दो बातें होती है, एक यू गेट डिसअपॉइंटेड लाइक एनीथिंग, यू लूज योर सेल्फ। पर उसके बाद घटना नंबर दो, आप अपने आप से मिलते हो। कुछ ऐसे, तेरी चाहत ने हर रंग दिखा दिया, तेरी चाहत ने हर रंग दिखा दिया, तुझसे तो ना मिल पाई मैं, पर तूने मुझे मुझी से मिला दिया। तेरी चाहत ने कुछ ऐसा रंग दिखा दिया, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पाया खुद को, जितना सोचा उससे भी ज्यादा पाया तुझको पाते पाते खुद को। कहाँ पता था कि ऐसी भी हूं मैं, कहाँ पता था कि ऐसी भी हूं मैं। और एक बात बताऊं, अब तो हर गम की खुशी खुशी ऐसी की तैसी करती हूं मैं, पहले जो रहती थी प्यासी सी, अब प्यारी सी रहती हूं मैं। सच में तूने तुझको मिलाते मिलाते मुझे मुझी से मिला दिया, मुझी से मिला दिया यार। पहले कुछ यूं आलम था कि बस एक बार अपनी एक छुअन मेरे कंधे पे रख दे, जो होगा वो देखा जाएगा, बस ये एहसास मुझ में भर दे, बस एक बार तू मेरा बन जा, बस एक बार ही सही तू मुझे अब तुझसे मिला दे। पहले कुछ ऐसा आलम था, पर अब तो कुछ ऐसा है मेरी जान, अब तो कुछ ऐसा है कि जितना तुझसे मिलने का सोच के मैं खुद से मिली हूं ना, उससे भी ज्यादा मैं तुझे ना मिलके खुद से मिली हूं, जैसे जैसे पतझड़ में खिली हूं, जैसे यहां वहां कहां कहां टहली हूं, पर सबसे पहले तो खुद ही से मिली हूं, तुझसे ना मिलके मैं फाइनली खुद से मिली हूं। तो ए जाने पहचाने से अजनबी, मुझसे ना मिलके मुझे मुझी से मिलाने के लिए शुक्रिया, मुझे मुझसे प्यार करवाने के लिए शुक्रिया। शायद मैं तुझसे मिलती तो खुद से प्यार ना कर पाती, तो इसके लिए शुक्रिया, नए जन्म के लिए शुक्रिया। ये तलब छूटती नहीं ना हमसे, जायज है नहीं है वो अपना अपना वर्जन है, पर जब आपको ऐसा लगे ना कि वो बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है और फिर भी नहीं छूट रही है, तो काशी की ये कहानी ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पोएम ने हेल्प नहीं किया है रियलाइज करवाने में, तो एक और हथौड़ा मारते हैं और आपको सुनाते हैं काशी के चार दोस्तों की कहानी। ये सत्य घटनाओं पर आधारित एक कहानी है। बात है पूनम की रात की, जब चार दोस्तों ने ऐसा सोचा कि काशी के घाट पे जाते हैं, एक बोट को हायर करते हैं, रेंट पे लेते हैं और फिर नशा वशा करते हैं और सारी रात बोट घुमाएंगे, नदी की सैर करेंगे, चंदा मामा को देखेंगे, बातें करेंगे, मजे करेंगे। तो सारे दोस्त बोट में बैठ जाते हैं, वो जो चप्पा होता है उसको घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, इतना जोर शोर जोर शोर, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पानी की छपाकों की आवाज़ आ रही है, पसीना पसीना छूट रहा है, ठंड होने के बावजूद पसीना पसीना, क्योंकि इतना काम किया है, इतना काम किया है, तो ये सब चल रहा है। सुबह हो जाती है, सुबह को जब चार जनों की आंखें खुलती है ना, तो उनको रियलाइज होता है कि उनकी बोट तो किनारे पे ही थी, घाट पे ही थी। क्यों? क्योंकि बोट के ऊपर एक डोर थी,
जो बंधी हुई थी उस घाट पे, उसको किसी ने खोला ही नहीं, और इतने सारे एफर्ट किए, पसीना पसीना, कुछ भी नहीं मिला। सो अगर आपको ज़िंदगी की इस नदी में आगे जाके सैर करनी है, चंदा की लहर करनी है, तो उस डोर को, उस गांठ को खोलना पड़ेगा, खुद से मिलना पड़ेगा, खुद से मिलने के लिए। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कहानी, ये कविता, ये इम्प्रॉम्प्टू सेशन आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ नए VFM मेंबर्स को आपको लाना है, आपको याद है ना, ये वीडियोस को अपने WhatsApp ग्रुप पे हैं वहाँ पे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि इस चैनल पे आ जाए, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, दैट वुड बी टुमारो, और वो होगा लफ्ज़ों के मोती का आखिरी चैप्टर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फिर मैं हूं ना, आ जाऊंगा, बातें करूंगा, और आप ठीक, ठीक है, ठीक है। चलिए, कीप मुस्कुराना, बाय बाय।